अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यूनिट नंबर 2 है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या क्या है? लिविंग थिंग्स क्या होती हैं आपके पास जो रिस्पॉन्ड दे साउंड, लाइट और टच पर। ठीक है क्लास, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो चाहिए होता है बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी और फूड। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक एबिलिटी ये होती है कि वो अपनी तरह की कॉपीज प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं हम क्लास? रिप्रोडक्शन। सेल, सेल क्या है आपके पास? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के ऊपर बेस्ड करते हैं या बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बॉडी खुद की एग्जाम्पल आ जाती है, यूनिसेलुलर में आपके पास अमीबा आ जाता है। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जितने भी आपके पास सेल्स होते हैं उन सबका सेम स्ट्रक्चर होता है। सबके पास एक राउंड या ओवल न्यूक्लियस मौजूद होता है जो इसके इर्द गिर्द जो है वो जाली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म का। एंड एक लेयर मौजूद होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपके पास, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल का जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट को फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है। दिस प्रोसेस टू मेक प्लांट देयर ओन फूड नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके क्लास, वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है? एक स्पेस है जो फिल्ड होती है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। लिखा हुआ है ना आपके पास, अ वैक्यूल इज अ स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। ठीक है, एंड देन लिखा हुआ द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन्स रॉड शेप्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा की साख्तें होती हैं और इनके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, सॉरी ये एक न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है जिसे हम DNA कहते हैं। अब वॉट इज एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अब इसमें लिखा हुआ एनिमल सेल, अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। सेल वॉल एब्सेंट होती है यानी सेल वॉल मौजूद नहीं होती, खलवी दीवार मौजूद नहीं होती एनिमल सेल में। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लिया एंड द सेल मेम्ब्रेन, स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस इज यूजुअली इन द सेंटर। ठीक है क्लास, सेल वॉल एब्सेंट होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन, वैक्यूल जो है स्मॉल साइज में होता है साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है। ये सेल एनिमल सेल का आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है। ओके क्लास,